दे वैसे इधर देख, इधर को आओ भाग के। ये देखिए किस प्रकार से बच्चे जो है नीचे बर्फ का मजा ले रहे हैं। अब भाई किसी और के लिए भी छोड़ दो, कोई और भी देख लेगा इस बर्फ को। और ये देखो भाई, ये बिल्कुल सामने तरफ जो है इनकी खेती है ब्रोकली की। आजकल नहीं होती ना, हाँ अब तो खैर बर्फ पड़ गई है, अब इस टाइम तो कोई भी खेती नहीं चलेगी यहाँ पर। और अप्रैल के बाद जो है, मार्च अप्रैल के बाद यहाँ पर जो है चारों तरफ आपको जो है ये सब्जी, यही सब्जी नजर आएगी। अभी फिलहाल तो उन्होंने ये सारे कवर किए हुए हैं। देखिए भाई सरवाइव करना यहाँ पर बड़ा ये हार्ड है। सामने आप देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर सारे झरने जितने भी थे सब जम चुके हैं। अब लास्ट ईयर अभी मैं जब आया था लद्दाख की ट्रिप से आया था, तो ये जो मेरे सामने की तरफ जो आपको रोड दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल मेरे पीछे जो सड़क दिखाई दे रही है, यही लद्दाख से फॉलो करते हुए यही सड़क जो है बारालाचाला पास से होते हुए उधर पीछे है जिस्पा किलोंग सब पीछे है, उधर से फॉलो करते हुए इधर यहीं से ऐसे घूमते घूमते ये आगे सिसु आ जाएगा, फिर इधर अटल टनल आ जाएगी और अटल टनल के बाद मनाली, मनाली के बाद सीधा दिल्ली। ये देखिए भाई रहा नहीं गया मुझसे भी, और आ चुका हूँ मैं अपने बच्चों के पास। ये देखिए स्माइली बनाई है हम दोनों ने, इनका क्या बिगाड़ेगी ठंड। देखो गाइस हम दोनों ने स्माइली बनाई है, ये देखिए स्माइली बनाई है। बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं भाई इसमें, इस बार में ये देखिए लेट गए हैं इन्होंने, एक एक जोड़ी कपड़ों का जो है बिल्कुल नाश मार दिया, धज्जी उड़ा दी कपड़ों की। इतने ठंड में माइनस में भी किसी को भी जो है बच्चा हो चाहे बड़ा हो सब भूल जाते हैं, सबके अंदर बचपना जाग जाता है और बर्फ में खेलने को मन करता है। ये देखो वन टू बनाना, ये वन टू ज्यादा बर्फ भी हाथों में अंदर उड़ाओ बर्फ उड़ाओ। देसी घी के बर्फ वाले लड्डू, आइए और इन बर्फ को एंजॉय कीजिए। ये देखिए सुबह का टेम्परेचर शाम के 7:27 हुई है और अभी का टेम्परेचर है -17 degrees टेम्परेचर। ओ माय गॉड बहुत ठंड है भाई, ये अभी तक का मेरी लाइफ का जो है सबसे जो ठंडी जगह है उनमें से एक है ये। अभी धीरे धीरे देखिए रात में -22 दिखाया हुआ है इन्होंने, चलो देखते हैं कितनी ठंड बढ़ती है। तो भाई फाइनली अब रात के जो है डिनर का टाइम हो गया है, रात के 8:30 बज चुके हैं और अब हम आ गए हैं नीचे इनका किचन दिखाने के लिए आपको। ये देखिए ये इनका चूल्हा हो गया, इंडक्शन लगाया हुआ है इन्होंने, घी गर्म हो रहा है। और ये देखिए ये भी यहाँ पे जो है हाथ बटा रहे हैं, बिल्कुल बराबर टक्कर दे रहे हैं काम, देसी घी गाय का। अच्छा और ये देखिए एक ये भाई, ये क्या नाम है तुम्हारा भाई? राजन। राजन और तुम्हारा भाई छोटू? दीपक। ये दोनों भाई बिहार से है और देखो कहाँ बिहार और कहाँ ये मनाली लेह लद्दाख, कहाँ इतनी दूर दूर लोग बाग काम करने के लिए आते हैं। भाई सलाम है इनको बड़े ही, और यहाँ की हार्ड लाइफ है भाई, अगर यहाँ पे ईंधन ना हो प्रॉपर मात्रा में इनके पास, इतनी ठंड है ऊपर -17 degrees टेम्परेचर भाई, अगर ये जो इन्होंने बुखारी लगाई हुई है इसमें आग ना जले तो रात को जो है आदमी बर्फ़ की तरह जम जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंड है मेरे भाई। अब चलते हैं भाई, डिनर का टाइम हो गया, अंदर बैठते हैं। बच्चे ऑलरेडी जा चुके हैं, ये देखिए ये बैठ चुके हैं, ये बिल्कुल भूख का टाइम हो चुका है। बच्चे गाना गा रहे थे, मम्मी भूख लगी मम्मी खाना दो। बच्चों एक बार गाना सुनाना,
मम्मी भूख लगी, मम्मी खाना दो, मम्मी भूख लगी है 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 होटल चलो, मम्मी भूख लगी है रेस्टोरेंट चलो, मम्मी भूख लगी है हम से चलो, मम्मी भूख लगी है आशीर्वाद में चलो। और ये देखिए गाय का बिल्कुल प्योर घी, ये पहचान है येलो रंग जो होता है। और यहाँ पर भी इन्होंने बुखारी जलाई हुई है, किसी प्रकार की आपको ठंड ना लगे, कोई बीमार ना हो आप, बहुत बढ़िया। और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से इन्होंने जो है अपना ये देखिए वाह पनीर की सब्जी बनाई हुई है हमारे लिए इन्होंने भाई ने। ये देखिए गर्मा गर्म राइस, ये रोटी, गर्मा गर्म चपातीस, ये खीर, ये स्वीट हो गया भाई, खाने के बाद मीठा जरूर हो जाए। और ये हमारे लिए इन्होंने कितनी सुंदर सलाद काटी हुई है भाई ने, और ये दाल मखनी, और ये दाल मखनी। तो भाई लगता है ये रात को हमें सोने नहीं देंगे, हमारा पेट जो है ये काफी फुला के मानेंगे, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और अब हम डिनर का जो है आनंद लेते हैं। तो भाई इतना सुंदर स्वादिष्ट, इतना प्यार से परोसा हुआ जो भोजन है भाई ने हमें दिया है, ये इसको खाने से पहले हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे लो, और सभी सभी जो है बच्चों भगवान के हाथ जोड़ो, खाते देखिए कितनी कितना बढ़िया चपाती बनाई, बिल्कुल गोल कितनी बड़ी, और साथ में ये गाय का घी है, और चटनी लिए इनके यहाँ की स्पेशल चटनी है। किसने बनाया? इन्होंने बनाया सारा खाना, तो धन्यवाद, खाना आपने इतना अच्छा बनवाया, दिल कर रहा है जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाने पर उसके हाथ कटवाए थे ना, आपके हाथ कटवा दूं। भाई बड़ा मजा आ गया यहाँ पे, बिल्कुल मजा भी घर जैसे ऐसा लग रहा है घर में आ गए। चलो भाई धन्यवाद आपका इतना बढ़िया खाना देने के लिए। भाई अब हम जो है डिनर करने के बाद जो है अपने ये होम स्टे से, ये देखिए होम स्टे भी से इससे बाहर आए हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि खाना खाने के बाद 100 से 200 कदम भी जो है अगर चल लो तो वो भी बहुत बढ़िया आपके लिए। 200 कदम है, कदम है, 100 या 200 कदम चलते हैं हम भी। और भाई -19 डिग्री हो चुका है टेम्परेचर यहाँ का, नीचे देखिए आप देख सकते हैं, ये रोड पे देखो कैसे बर्फ जमी हुई है सब जगह भाई, वाह आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा, -19 हो चुका है बाहर का। फेंको फेंको फेंको, दूर फेंको, उधर की तरफ फेंको, ए फेंको ये। और ये आपको पूरे लाहौल में हिमाचली हिमाचल में कहीं चल जाओ ऐसे स्तूप बने आपको मिलेंगे हर जगह, जय हो। और यहाँ पर जो है ब्राउन बियर या स्नो लेपर्ड आते रहते हैं भाई, फुल एंजॉय जिसे कहते हैं। और धीरे धीरे जो है होटलों का कल्चर ख़त्म ही होता जा रहा है, क्योंकि इतनी सुविधाएं आपको ये दे रहे हैं आपको होटलों से बढ़िया होम स्टेज में। तो आइए नेचर का पूरा लुत्फ उठाइए, मजे लीजिए ज़िंदगी के। हाँ, और ये जो आप देख सकते हैं सभी जितने भी सूखे पेड़ हैं सभी जो है एप्पल ट्रीज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा ये व्लॉग जो है काफ़ी पसंद आया होगा, तो ऐसी वीडियो में आपके सामने और लाऊं, ऐसी ऐसी अनेकों सुंदर जगह दिखाऊं, उसके लिए मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करने की कृपया कीजिए, वीडियो को शेयर करने की कृपया कीजिए, और वीडियो पर आप कमेंट नहीं करते यार, तो कमेंट हमेशा कीजिए मेरे भाई। और जिसने मेरा चैनल मलिक यारों का यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपया कीजिए। और ये खड़ा हमारा यारों का यार, हमारा रथ यार, कभी भी इसने अभी तक मुझे धोखा नहीं दिया, इतने टूर कर आया हूँ मैं, लेह लद्दाख का भी टूर कर आया, स्पीति वैली का, वहाँ से जो मनाली के लिए ऑफ रोडिंग आती है भाई, वेरी डेंजरस रोड है भाई, कभी भी उस रोड से आओ तो 4x4 गाड़ी हो या ऊंची गाड़ी हो, छोटी गाड़ी लेके स्पीति वैली से और जो मनाली के लिए ऑफ रोड आता है भाई उस पर बिल्कुल मत आना, क्योंकि उस रोड पे जो है आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी, ना ही तो वहाँ नेटवर्क है, ना ही कोई दुकान है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं है आपके, आपको अपने व्हीकल में ही सब चीज़ रखनी पड़ेगी, आपको खुद सर्वाइव करना पड़ेगा। तो इसलिए सजेशन देता हूँ कि अगर उस रोड पर आओ
तो प्रॉपर चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। 4x4 गाड़ी हो, ऊंची गाड़ी हो, ये ज़रूर ध्यान रखना मेरे भाई, क्योंकि अगर एक बार उस रोड पे फंस गए तो फिर निकलना नामुमकिन ही है, बड़ा ही मुश्किल से आओगे मेरे भाई। करना कोई बात नहीं, फुल एंजॉय हो रहा है भाई, फुल एंजॉय कमरे में भी। ये देखिए ये है सिस्टम यहाँ का, देखो भाई अगर ये ना हो ना तो भाई सब कुछ बेकार है। ये ऐसे है, यहाँ पर जो है पूरी रात जलती रहेगी इसमें, और कमरा जो है हीट होता रहेगा, और साथ में आपको ये हीटर दिया हुआ है इन्होंने, रूम हीटर, ये भी बहुत बड़ा है भाई। तो यहाँ का अंदर का टेम्परेचर है 19 डिग्री प्लस का, और बाहर का टेम्परेचर है माइनस का 19 डिग्री, कितना अंतर है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद इन भाइयों का। ओ मन्नू, मैं तो गया, लुटपुट गया, लुटपुट गया, मैं तो तो भाई जैसे कि रात को मैंने आपको इनके यहाँ का सारा सिस्टम दिखाया, क्या क्या इनके यहाँ की आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, और जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था जिस चीज़ का, वो है यहाँ का टैरिफ, जो कि बस इन मैं क्या बताऊँ यार, बहुत ही कम है इनके, इनके मुँह से पूछे भाई के मुँह से, बताइए भाई। हाँ जी हाँ जी, हमारे यहाँ एक पैकेज सिस्टम सा चलता है जिसमें हम डिनर एंड ब्रेकफास्ट देते हैं, 1500 रुपये पर पर्सन है। हाँ जी, जिसमें डिनर एंड ब्रेकफास्ट है, और किड्स 10 साल से नीचे वालों को हम फ्री में बिठाते हैं, फ्री में खिलाते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ जी, बाकी फिर मलिक भाई के इस चैनल से कोई आएंगे तो उनको जरूर डिस्काउंट मिलेगा। सोना भाई का प्यार देगा। हाँ जी, कि जो मेरा चैनल मलिक यारों का यार को सब्सक्राइब करके आएगा तो उसको कुछ ना कुछ और डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, 10 साल से कम बता रही है, मैं कह रहा हूँ कि 6 साल से कम का बच्चे का जो है वो फ्री होता है, अदरवाइज कहीं भी 6-10 साल के बच्चे का कहीं भी आपको फ्री नहीं मिलेगा। तो ये देखिए इनकी कितनी बड़ी यहाँ की खूबी है। और अगर आप आना चाहो, इनके पास डॉर्मेट्री बेड भी है। हाँ जी हाँ जी, जो कि पर पर्सन 1000 रुपीज़ में है। इकट्ठे का ग्रुप आता है, लड़कियों का है या लड़कों का है, तो कम से कम 7-8 एक बारी में एक जगह रुक सकते हैं। तो भाई बहुत अच्छा लगा इनके यहाँ मिलकर, इन्होंने जो हमें जो इतनी बढ़िया सुविधाएं दी, बताओ जी, आप बताओ, आप बुलाओ, आप लोगों को कहो आने के लिए, बोलो। हाँ सर, आप बता नहीं रहे, बताओ भाई, देखो कितने शर्मा रहे हैं बताने में। भाई बहुत बहुत धन्यवाद इनका, और देखो हमारी फैमिली भी इनके साथ जो है घुल मिल गई है पूरी। हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है ऐसी? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कह रहे हैं आपका, कि मेरा मन नहीं कर रहा जाने का? नहीं कर रहा जाने का। हाँ भाई, मैडम जी आप बताओ। भाई पीसफुल तो है ही, एक तो पीसफुल है। हाँ। और सीनिक ब्यूटी तो है ही, नेचुरल एनवायरनमेंट तो अच्छा है ही, इसमें तो कोई तो राय नहीं है। और बाकी मौसम हाँ। भी काफी अच्छा है, मौसम बिल्कुल। साफ सफाई कितनी है यहाँ पे? जिस चीज के लिए हम आते हैं, साफ सफाई मेन ये है कि हम कहीं पर भी ले लेते हैं तो बहुत सारी जगह पैसे टैरिफ ज्यादा होता है, लेकिन सफाई नहीं होती यहाँ पर, सफाई भी काफी, सफाई भी काफी है, और रास्ता भी आने के लिए बहुत ही आसान है भाई। और अगर बड़े बूढ़ों के साथ आना चाहते हो तो यहाँ पर आने के लिए मई जून जुलाई दी बेस्ट मौसम है भाई, बिल्कुल आओ आँख मिच के। और बर्फ का मजा लेना चाहते हो तो अब तो भाई कभी भी आ जाओ आप, नया साल है 2024 है, जुले। जुले।
गाड़ियाँ थोड़ी हुई है ऑफ रोड करके, और गाइस पापा की गाड़ी आ चुकी है जैसे कि मैंने बोला था, और हम उस ऑफ रोडिंग से जहाँ वो बोर्ड लग रहा है वहाँ से आ रहा है, और ये ऊपर से आ रहा है, और ये ग्रीन हाउस दिखाया था मैंने आपको ऊपर से। और गाइस ये रात को हमने गाड़ी में बार मतलब गाड़ी में रात को हमने ये पानी की बोतल रखी हुई थी हमारी, और ये देखो बर्फ़ जमी हुई है, देखो दिख रही है पूरी बोतल, और ये वाली भी मम्मी पानी नीचे गिरने दो, देखो कितनी भरी हुई बोतल है, ये देखो मम्मी बोतल टेढ़ी करो, टेढ़ी टेढ़ी अरे पानी नीचे जैसे पानी गिरते हैं वैसे करो, ये देखो बस अब रुको सीधी कर लो बस यूं 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 ऐसे करो ऐसे ऐसे देखना दिख रही है ना बर्फ, बर्फ दिख रही है बेटा आपको, दिख रही है बर्फ। और भाई जो हिमाचल पुलिस है, हिमाचल पुलिस ने जो है अपना रोल पूरा अदा किया है, जगह जगह चप्पे चप्पे पे आपको जो है हिमाचल पुलिस मिल जाएगी, जाम नहीं लगने देगी, ये देख सकते हैं आप मेरे सामने। ये जो मेरे को बिल्कुल बिल्कुल सामने जो आपको सड़क दिखाई दे रही है, यही सड़क जो है आपको काजस्पीति ले जाएगी। अगर आपको अटल टनल के पास फोटो खिंचवाने हैं यह वीडियो बनानी है तो आपको अपनी गाड़ी यही लेफ्ट में पार्क करनी पड़ेगी, इस पार ही, क्योंकि उस पार गाड़ी खड़ी करना अलाउड नहीं है। ये मनाली से थोड़ा सा पहले ही है, जिप लाइनिंग है, जो मैंने पहले वीडियो डाली थी अपनी मनाली वाली उसमें भी यहीं पे जिप लाइनिंग कर दी मैंने, और एक बार फिर से आ गया हूँ यहीं पर। ये आप देख सकते हैं कितनी लंबी जिप लाइनिंग है, ये ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं इसको पकड़ने के लिए मैडम का हाथ पकड़ लेना, ठीक है बैठो, बैठ जा, पैर करो सर सीधे, कर दूंगा करो आराम, एक दो तीन छोड़ दो, ओके जाइए भाई, फिर से आ गए हैं इसे जिप लाइनिंग में, दोनों के दोनों आप खोलो भाई, आप ये देखे नीचे का व्यू देखे भाई नदी का, वाह क्या व्यू आ रहा है भाई, ओ सर भाई बार बार करना चाहूंगा भाई, वाह भाई ये हो गई है एंडिंग, बहुत बढ़िया। और भाई जिप लाइनिंग हो गई है आधी आधी, ऊपर जा करेंगे अभी, ये देखिए भाई लास्ट बार जब आए थे दोनों भाई बहन तो ये देव तो डर रहा था लेकिन इस बार जो है फुल एंजॉय कर रहे हैं दोनों दोनों, ओए भाई वाह, ये देखिए भाई शेर ने, शेर कैसा है हमारा, आओ आओ पीछे नहीं आ गया, आओ आगे। और ये भाई जब लास्ट टाइम हम आए थे तो ये सब सेब सेब के बगीचे खिले हुए थे, सब हरे भरे थे, और अभी जो है ठंड का सीजन है इसलिए सब ऐसे ही है, और अब चलते हैं वापस रिटर्न, चलो बच्चों चलो, नहीं छोड़ गया यार, चलो भाई एक बार फिर चल चुके हैं हम इस सुहाने सफर में, नीचे 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 देखो नीचे नीचे देखो नीचे, भाई वाह भाई मजा आ गया भाई, ये देख सकते हैं हमारे पैर भी हम हैं, वाह ओ भाई, भाई वाह पैसा वसूल पैसा वसूल है भाई पूरा, खोल दो भाई, ये देखिए मैडम को मजा आ गया ना, डर के आगे जीत है। और ये भाई के साथ हम पहले राइड कर चुके हैं एक बार जब लास्ट टाइम आए थे, हमारी गुड़िया को इन्होंने राइड कराई थी, ये देखिए ये ऐसी धरे को यार, यस ये करो यस, देखिए
अब की बार शेयर कह रहा वन मोर टाइम, पिछली बार तो रो रहा था ये। टाइम मेरे साथ निकल गया। इधर से आओ। वेरी गुड। अब इस टाइम मेरी हालत खराब हो रही है। हाँ यहीं पे ही करते हैं, हम तो जब भी करेंगे यहीं करेंगे, हलवा यहीं करेंगे आपके पास ही। चलो भाई